जनपद शामली के गांव भैंसवाल का मामला है, जहां मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी के मंत्री नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल गांव भैंसवाल में बत्तीसा खाप के चौधरी बाबा सूरजमल से कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, जहां पर उन्होंने किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। गांव में मंत्रियों के पहुंचने की खबर का पता चलते ही ग्रामीणों ने गांव में एंट्री करने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर प्रतिनिधिमंडल का काफिला रोक दिया। जैसे तैसे कर मंत्री और उनके साथ पूरे प्रतिनिधिमंडल में गांव में एंट्री की, तो गांव में घुसते ही किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, नारेबाजी के दौरान मंत्री संजीव बालियान के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मंत्री के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक के बाद संजीव बालियान भी ताव में आ गए और गाड़ी पर खड़े होकर किसानों को धमकाने लगे। मंत्री संजीव बालियान गाड़ी पर खड़े होकर किसानों को धमकाते हुए कहे कि ऐसे 10 आदमियों के विरोध करने से मुर्दाबाद नहीं होता। आपको बता दें कि बुढ़ियान खाप के बाबा सचिन कालखंडे ने सुबह से ही बीजेपी नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल गठवाला खाप के बाबा हरिकिशन मलिक से मिलने के बाद भैंसवाल पहुँचा था। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ केंद्रीय लीडर और कुछ उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक पहुंचे थे। कई खाप चौधरी ने उनसे मिलने को मना कर दिया। जब बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, इसके बाद ये शामली के भैंसवाल गांव में पहुंचे। पहुंचने के बाद गांव के किसानों ने जमकर उनका विरोध किया। पहले तो गांव में घुसने से रोका, उसके बाद में जब वे गांव में चले गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी की और किसानों ने कहा कि 3 काले कानून वापस लो, तब गांव के अंदर आओ। इसके बाद वहां पर केंद्रीय मंत्री जी ने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कहा कि चंद किसानों से कुछ नहीं होने वाला है, यही लोग ये दिल्ली बॉर्डर पर कहते थे कि चंद किसान बैठे हुए हैं। अब गांव-गांव में जब विरोध हो रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि चंद किसान हैं, लेकिन अब ये निश्चित है कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में इन लोगों का विरोध शुरू हो गया है। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे गन्ने का भाव नहीं मिलेगा, समय पर भुगतान नहीं होगा, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का गांव में घुसना कठिन हो जाएगा। हम इनसे निवेदन करते हैं कि ये लोग जाएं, केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और कृषि कानून जो हैं इनको वापसी की, MSP की और जितने तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर जल्द से जल्द इस समस्या का हल कराएं। और मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि सभी लोग धैर्य बना के रखें, शांति और सौहार्द से काम करें, कहीं भी उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन है और कुछ हमारे किसान भाई अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपनी फसलों को नष्ट ना करें, उनका भंडारण करें और आंदोलन को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मेरा नाम उमेश कुमार है। सर, गांव में क्या घटना घटित हुई है? गांव में आज जो है पूर्व घोषित जो कार्यक्रम इनका बीजेपी के नेताओं का था खाप चौधरियों से मिलने का, उस क्रम में ये लोग यहाँ आए थे और इसके संज्ञान में इन्हें पहले बता दिया गया था कि खाप चौधरी कोई भी इनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन अपनी धर्मिता को ये आगे बढ़ाते हुए इस गांव में आए। क्रम ये रहा इसमें कि ये गांव में आए तो गांव वालों ने
अगर पहले से इनके आने का पता होता तो शायद विरोध करते, तो अचानक इनका आने का पता लगा तो लोगों ने वहाँ पे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली राजभाई के पुल पे रोक के पहले तो इन्होंने इस गांव का विकास दिखाया कि राजभाई का मेन पुल जिससे गांव में एंट्री होती है वो 3 माह से टूटा पड़ा है, ये तो भाजपा का विकास था। उसके बाद में 10-15 मिनट इन लोगों को वहाँ पे विरोध स्वरूप रोका इनको, और ये गाँव में मात्र 100 गज की दूरी चलने के बाद में इनको रोक लिया गया। वहाँ पर इनके जो कृषि कानून हैं, इन्होंने काले कानून वापस लेने के लिए इनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, इनका विरोध भी किया, और लगातार ये विरोध 10 मिनट तक चला, तब तक वे गांव से वापस नहीं गए। एक तरफ देखिए आप, मंत्री जी जब गांव में आते थे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत होता था कि मंत्री जी हमारे गाँव में आए हैं, कुछ विकास की राह दिखाएंगे। आज जो है किसान और यहाँ पर सभी बिरादरी के लोग आज उनको विरोध स्वरूप नारे लगाकर, बालियान जी के, विधायक जी के, प्रसन्न जी के विरोध के नारे लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे, जो कि एक बड़ी शर्मनाक घटना है इन लोगों के लिए। इन्हें समझना चाहिए, इन्हें जाकर संसद में बोलना चाहिए, किसान के बेटे हैं, संसद के माध्यम से बोले, किसान के बाद संसद के माध्यम से समझाएं। संसद बनी है ना बोलने के लिए, मंत्री जी के लिए, विधायक सांसदों के लिए, विधानसभा है, संसद है। नारेबाजी सभी गाँव के लोग थे, उसमें सभी शामिल थे, सभी जाति धर्मों के लोग शामिल थे। मंत्री जी थे संजीव बालियान, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, और लोग होंगे उनके साथ में, उनके अपने समर्थक लोग लाए होंगे, वे अपनी टीम बनाकर आए होंगे, क्योंकि गांव में बीजेपी का अगर बोर्ड नहीं लगा है कि गांव में बीजेपी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव में विरोध नहीं है। बोर्ड लगा हो न लगा हो, प्रत्येक गाँव में इनका विरोध है, जो आज आपको जिसकी वानगी आपको गाँव भैंसवाल में मिल गई है देखने के लिए, और पूर्व में महापंचायत में भी देखने को मिली।